फिर कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, और देखो बारिश के साथ साथ तूफान भी शुरू हो गया। मैं कितना डर गई थी पता? कहाँ गए थे तुम वीर? सच कह रही हो मम्मी जी? सच में ऐसा हुआ? हाँ बेटा, खुराना साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा उनकी तरफ से बात पक्की है, सोनी को बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर हम आकर सोनी से बात करेंगे तो शायद वो मान जाएगी। शब्द सुना आपने? सुन रहे हो आप शब्द? हम जल्दी वहां जाकर सोनी को मनाते। क्यों शब्द, चलेंगे ना? माही मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं आ पाएंगे? लेकिन क्यों? आप तो सोनी को जानते हैं ना? हम सब मिलकर मनाएंगे तभी वो मानेगी। इस वक्त उन्हें हम सबकी बहुत जरूरत है। माही वो एक्चुअली मैं आना चाहता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे पास बहुत ज्यादा काम है आज, मैं रियली नहीं आ पाऊंगा। और वैसे भी तुम और मम्मी जी जा रहे हो ना? लेकिन शब्द हम सब बेटा कोई बात नहीं, अगर शब्द बिजी है तो हम चले जाते हैं। शब्द कभी और चले जाएगा, फिलहाल हम चलते हैं। चल हम चले बेटा। ठीक है। लापता लड़की का राज, पुलिस की तफ्तीश अभी भी जारी है। लापता लड़की पम्मी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। पुलिस को सिर्फ एक सुराग मिला है और वो है, अरे आगे का हिस्सा, आगे का हिस्सा फटा हुआ। क्या ढूंढ रहे हैं? अब वो पेपर का एक पन्ना गायब था, मैं वो देख रहा था कि आसपास तो नहीं है लेकिन। अच्छा वो आप इतने परेशान क्यों हैं? वो कहना पुत्र, कल से मुझे ना तेरे ताजी की तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है। 10 बार कह चुकी हूँ डॉक्टर के, चलो मानने को तैयार ही नहीं। अब जाके थोड़ा मनाया है इसे पहले कि उनका इरादा बदल जाए। चल एक बार डॉक्टर को दिखा लाते हैं। तू सोच क्या रहा है पुत्र? अब अगर नहीं जाएंगे ना फिर वो टाल देंगे बाद में। चल बड़ी मुश्किल से मनाया है, तुझे पता नहीं कौन सा सुराग मिला होगा पुलिस को। कहीं वो सुराग पुलिस को मुझ तक तो नहीं पहुंचा देगा। ओ शब पुत्र चल। सोनी कैसी है बेटा? खुराना अंकल ने हमें सब कुछ बता दिया है सोनी। देख सोनी, तू हमेशा नादानियां करती है लेकिन इस बार कोई नादानी मत करना।
किस्मत ने तेरे दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार मुंह मोड़कर दरवाजा मत बंद कर देना। देख सोनी, हमारी बात समझ। हम सब चाहते हैं कि जीत और तुम्हारी शादी हो जाए। मम्मी जी, आप समझाइए ना, ये मेरी बात ही नहीं समझ रही। बेटा, बेटा तुझे खुश रहने का पूरा हक है, वैसे ही हम खुश रहें ये भी तेरा हक है। बेटा, अगर तूने दुख दर्द को रब की मर्जी से अपनाया है तो खुशियां क्यों नहीं? बिन मांगे रब तुझे इतनी सारी खुशियां दे रहा है, ठुकरा मत बेटा। देख सोनी, एक बात समझ ले, कल तेरी मांग भरकर जीत ने तेरी किस्मत लिख दी। इस तरह बार बार किस्मत के साथ मजाक करना ठीक बात नहीं। पता नहीं कब किस्मत तुझसे मुंह मोड़ ले। तू जानती है बुआ जी जैसे और कई इंसान हैं जो एक अकेली लड़की को चैन से जीने नहीं देते। ठीक है, अपने बारे में मत सोच। और सोनी, एक बात तो तू भी जानती कि जीजू के जाने के बाद तेरे बच्चे से और कोई प्यार कर सकता है तो वो सिर्फ जीत। जीत से ज्यादा प्यार उस बच्चे को कोई नहीं दे पाएगा। हम सबके लिए ना सिर्फ उस बच्चे के लिए हाँ कह दे सोनी। हाँ कर दे मेरी बच्ची, हाँ कर दे। सोचती क्या है बेटा, इसी में तेरी भलाई है। मम्मी जी के लिए हाँ बोल दे बेटा। मैं तेरी खुशी चाहती हूँ मेरी बच्ची। सोनी पुत्र, भाभी जी, मुबारक हो जी। मुबारक बहन जी, आपको भी मुबारक। आपको भी मुबारक। मैं अभी पंडित को फोन करके शादी की तारीख निकलवा लेता हूँ और उसे कहूंगा भाई जल्दी की डेट निकाल दे। हाँ मैं क्या जी, शादी की तारीख जल्दी निकालना, वरना शुभ कामों में विघ्न डालने वालों का क्या भरोसा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दुर्गा बहन जी। देखा, मैंने कहा नहीं था मुझे कुछ नहीं हुआ, खाम का ले आया यहाँ क्लिनिक में। और मुझे तो डॉक्टर बीमार लग रहा था। बिलो तू भी ना वैसे ना बेकार में छोटी सी बात की हाय तौबा मचा देती। सुना तूने शब पुत्र, मैं कोई हाय तौबा मचाती हूँ? अच्छा होता अगर डॉक्टर ने इन्हें किसी बड़ी बीमारी का नाम बता दिया होता, अन्ना वटा इंजेक्शन लग देना, फिर होश ठिकाने आते। बात करते हैं। तो मैं कहाँ बात करता हूँ बिल्लो, बातें तो सारी तू करती है, मजाल है तेरे सामने कोई बोल जाए। आहो जी, तानाशाही तो मैनेजर। हाय रब्बा, आपकी बातों के चक्कर में मैं वहां पर से भूल आई हूँ, हाय को ले ना जाए। पुत्र लिख ले कि टाइम वेस्ट करना कोई इन औरतों से सीखे।
आप लोग पर्स लेके आके, मैं गाड़ी लेके आता। ठीक है, ठीक। हेलो शब, मैं ही बोल रही हूँ। जानते हो मैं आज आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली। पूछो क्या? क्या? जानते हो शब, सोनी ने शादी के लिए हाँ कह दी है। मैं और मम्मी जी शब्द इतने खुश है क्या बताएं आपको। बहुत खुश है, सोनी ने आखिर हाँ कह दी। ये तो पम्मी बहुत के मामले में पुलिस के हाथों एक नया सुराग लगा है। पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि जंगल से जो जूता मिला है वो पम्मी का है। पम्मी की माँ ने उस जूते को पहचान लिया है कि वो पम्मी का ही है। इस बात के साथ पुलिस की ये धारणा और भी पक्की हो गई है कि पम्मी के साथ जरूर कोई जानलेवा हादसा हुआ है और हत्यारों ने उसकी लाश को शायद जंगल में ही कहीं फेंक दिया है। पुलिस का ये कहना है जल्द से जल्द हत्यारे उनकी गिरफ्त में होंगे। हेलो शॉप शॉप। हेलो, हाँ माही। कहाँ सुन रहे हो शब, मैं आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दे रही हूँ और आपका ध्यान ही नहीं। आप ये बात सुनकर सोनी और जीत के लिए खुश नहीं हो? हाँ, ये तो बहुत बहुत खुशी की बात है। नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। माही, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। पुलिस जंगल तक तो पहुंच चुकी है, अब उनका लाश तक पहुंचना महज वक्त की बात है। पंडित जी से मेरी बात हो गई है, वो कह रहे थे कि शादी के लिए शुक्रवार का दिन सही रहेगा। क्या कहता तू पुत्र? पापा जैसे आपको ठीक समझे। अरे सोनी पुत्र, आप बैठना। मामा, तामझाम की कोई जरूरत नहीं, बस सिंपल सी कोर्ट मैरिज बस। दादी कोर्ट मैरिज रहेगी, पुत्र एक छोटी सी पार्टी घर में कर लेंगे कुछ नजदीकी लोगों के लिए। नहीं साहब, ये तो लाश है। और वो क्या? ये मफलर है साहब। ये रहा साहब। तो मरने वाली के पैर इससे बांधे गए थे। बिल्कुल साहब। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि मफलर किसका है तो बड़ी आसानी से हम इस बेचारी के हत्यारे तक पहुंच सकते हैं। एक मिनट, मेरे ख्याल से मैं जानता हूं ये मफलर किसका है और ये करतूत किसकी हो सकती है। ये देखो साहब, ये तो सेम मफलर है। ये मफलर शब्द सरीन का है।
जिस दिन पुलिस को वो बॉडी मिल गई, उनके हाथ मेरा मफलर भी आ जाएगा और फिर वो उन्हें पता लग जाएगा कि वो मेरा ही मफलर था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं?